Hello everyone and welcome back to IAM Food Show. So you know, we are still in the mood of Durga Puja and festival which never ends. It remains and it remains your heart. So we have tried many things, you know, during Navratri we have tried some Navratri special and Puja's time we tried some Puja special. So why don't we try some Vilayati Khana? Vilayati Khana, yes. So, आज हम लोग करेंगे मैक्सिकन फूड. वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, आप बना सकते हैं घर में. सो आज हम बनाएंगे मैक्सिकन वेजिटेरियन बोरीटोस. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. वेरी सिंपल है, घर में आपका पास सभी होगा, सब चीज है. तो इनके मैक्सिकन बोरीटोस हम लोग पहले उसका एक तोर्टिला ब्रेड है, ये जो सिंपल तोर्टिला ब्रेड है, रोटी जैसा आप घर में बना सकते हैं. तो इन स्पैनिश मैक्सिकन में बोलता तोर्टिला. तो उसके लिए हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे, ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा चॉप ऑनियन, थोड़ा सा उसमें टोमेटो भी ऐड करेंगे, लिटिल बिट चॉप टोमेटो. इंग्रेडिएंट्स बताए नहीं है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है. ये जो मैं बीन्स बना रहा हूँ, ये है बीन्स पेस्ट बना रहा हूँ, वो है राजमा. कल से दिखता है राजमा को ऑलरेडी हम लोग बॉइल करके रखा है. ओके, बाकी वेजिटेबल्स है, मशरूम्स है, फ्राइड टोफू है, कॉर्न एंड ग्रीन पीस है, विल ऐड सम कैप्सिकम. So mostly whatever vegetable you have, जो आपका घर में भी है, you can use that vegetable. I will add little bit of rice. This is a sticky rice, जो बोरीटोस के अंदर जाता है, जो stick करके रखता है. And you can see, I have nice corn and green peas. So ये ऑनियन ये सब तो है क्या. We will put the राजमा. सॉटिंग करेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे लिटिल बिट ऑफ क्यूमिन पाउडर. क्यूमिन पाउडर इज ऑल्सो यूज इन मैक्सिकन क्विजिन्स. टर्मरिक पाउडर ऑल्सो यूज इन मैक्सिकन क्विजिन्स एंड चिली पाउडर ऑल्सो यूज इन मैक्सिकन क्विजिन्स. डाल दिया, थोड़ा सा पानी में करेंगे. तो राजमा इज ऑलरेडी कुक्ड है. सो राजमा इज ऑलरेडी कुक्ड है. सो नाउ इसको जब 2 मिनट का बाद इसको निकाल के वी विल इसको हम लोग पेस्ट बना देंगे. ठीक है, तो पेस्ट ऑलरेडी रेडी है. तो आपको जस्ट प्रोसेस दिखा दिया कैसे बनाने का. ठीक है, सो यू सी, आफ्टर यू कुक यू मेक नाइस पेस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये पेस्ट हो गया. तो जब तोतीला होगा उसमें हम लोग आई विल शो यू. तो हम लोग अभी इसका वेजिटेबल सौते कर लेंगे. Vegetables.
ओरिजिनल रेसिपी है जो मैं आपको बोला। अगर आपको ये पेस्ट नहीं भी देना चाहिए तो आप नहीं भी दे सकते, इंस्टेड ऑफ पेस्ट आप चीज उसको दे सकते हैं। चॉप गार्लिक, put garlic, you can feel the nice garlic flavor. And a little bit of capsicum. डालेंगे थोड़ा कॉर्न एंड ग्रीन पीस, तो आप देख सकते हैं कितना वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स उसमें जा रहा है। वो वेजिटेबल लवर्स जो है विल एंजॉय द मशरूम। वी विल ऐड द बटर मशरूम्स, whatever is available in the market, you can use that kind of vegetables. Normally all season mein to vegetable milta nahi hai. But I bought a plenty, you know, varieties of vegetables, so ऑलरेडी सौते हैं, हम लोग सौते कर लिया था मशरूम को, इसमें सेम हम लोग मसाला डालेंगे, क्यूमिन पाउडर और लिटिल बिट ऑफ बोरितोस मसाला। बोरितोस मसाला स्पैनिश मिक्स मसाला, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। Go to supermarket, you can get in the supermarket. So hum log coco add karenge. If you aapka paas coco nahi hai to you can add paneer. स्टिकी राइस आपका पास नहीं है तो यू कैन यूज बासमती राइस ऑल्सो। थोड़ा सा रोजमेरी, ये प्लेन ब्रेड जो मैदा सॉल्ट एंड पानी, आप घर में भी बना सकते हैं, रोटी जैसा बनता है। अभी हम लोग जो ये पेस्ट लिया था, ये पेस्ट हम लोग इसमें डालेंगे। इंक्लूड द पेस्ट, तो जैसा मैंने बोला था, इफ यू डोंट हैव इफ यू थिंक द पेस्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे में चीज डाल सकते हैं। ये पेस्ट इसमें डाल दिया,
फीलिंग्स इसमें देंगे। बस थोड़ा चीज, हम लोग क्या करेंगे इसको विल रोल दोनों साइड से करके इसको हम लोग यहाँ से रोल करेंगे। सो ये ओपन नहीं होगा। तो ये जो है पेस्ट, ये पेस्ट काम करेगा चिपकने के काम करेगा। ये पेस्ट चिपकने का काम कर रहा है। हम लोग और एक बना के रखा था ऑलरेडी, दो है। दिस इज रेडी टू ईट, यू कैन ईट लाइक दिस, बट हम लोग इसका थोड़ा ग्रिल मार देंगे बटर में। तो इसका अंदर जो चीज हमने डाला था, जब मैं टर्न करेंगे तो चीज ऑटोमेटिक मेल्ट होगा। बट आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अच्छा कलर के लिए लोग बटर देंगे। इनको बटर तो रिमेंबर, ये पार्ट जो है जो स्टील वाला पार्ट देंगे इधर वाला। सी हमने पेस्ट लगाया तो ये ऑटोमेटिक ये चिपक गया, खुलने का चांस नहीं है। तो सील वाला पार्ट हम लोग इधर से लेंगे। थोड़ा सा बटर ऊपर से देंगे। बटर देने से क्या होता है, इसमें थोड़ा क्रिस्पीनेस आता है और अच्छा टेस्ट भी मिलता है। जैसे ये लोग का जो हो गया जो स्पेनिश फूड है, किसे दिया हो गया, सेम आपका बोली तो ये है एंचिलाडा हो गया। तो आप देखे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया बटर देने के बाद, अच्छा कलर आ गया। तो इसका जो अंदर में हमने चीज़ डाला था वो भी मेल्ट हो गया। रेडी है और हम इसको कभी करेंगे प्लेटिंग। क्या आप देखिए इतना अच्छा कलर आ गया है इसका, जो बटर है तो बटर का भी फ्लेवर आ रहा है। इसको हम लोग प्लेटिंग करेंगे और इसका साथ हम लोग देंगे ऑन द साइड में जो है सालसा। ये है स्पेनिश में इसको बोलते हैं पिको दी गायो, पिको दी गायो। इसमें है चॉप ऑनियन, चॉप टोमेटो, अलापिनोस पेपर्स। अलापिनोस नहीं है तो आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स, ओके, लिटिल बिट ऑफ टोमेटो केचप और लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल। हम लोग टोमेटो केचप इसलिए देते हैं कि उसमें और टेस्टनेस ज़्यादा आएगा और आप ओरिजिनल ये लोग बिना मतलब टोमेटो को भी ब्लेंड ब्लेंड कर देता है। एक पीस हम लोग ऐसे काट लेंगे, देख सकते हैं दोनों को काट के। सालसा वैसे थोड़ा सालसा दे देंगे। तो
देखिए थोड़ा इसको येलो दे देते हैं बीच बीच में से, तो कलरफुल लगेगा थोड़ा सा। मैक्सिकन बोलेगा तो मैक्सिकन क्विजिन लोग कॉर्न भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, आप घर में भी बना सकते हैं। रोटी आपका घर में होता है, जो फूड लवर्स उसको पसंद है खाना बनाने का, डेफिनेटली गेट बाय एट होम एंड वॉट एवर वेजिटेबल यू गेट। सो इफ यू हैव एनीथिंग टू लर्न और टू यू नो टू गेन सम नॉलेज अबाउट द फूड इंडस्ट्री, प्लीज विजिट टू आवर वेबसाइट IAM एंड द फूड लवर्स वॉन्ट टू बिल्ड अ करियर इन दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, प्लीज ज्वाइन IAM वेर यू गेट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज। सो आई होप यू एंजॉयड। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड और एक विलायती खाना। सबको शुभकामना और दुर्गा पूजा, सबको दुर्गा पूजा के लिए बधाई, स्टिल इन फेस्टिवल मोड। टिल देन स्टे सेफ, सी यू, थैंक यू एंड बाय बाय।